हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका अगर नाम है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब इस शेयर का अगर चार्ट पैटर्न देखे तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है वहाँ पे। इसमें देखो, पहले एक अच्छी खासी रीडिंग निकाली, फिर उसका एक अच्छी खासी गिरावट है, प्राइस में करेक्शन आया। नॉर्मली होता है ना, अच्छी रीडिंग एक बार प्राइस वाइज करेक्शन आ सकता है या फिर टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें वो करेक्शन भी आया और एक टाइम तक यहाँ पे इसने होल्ड करा, उसके बाद जब इसने रेंज को ब्रेक करा तो फिर आपस एक अच्छा मूव यहाँ पे दिया, फिर आपस एक सपोर्ट लेवल बनाया। तो इसी जगह से जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था उसी जगह के आसपास ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करा। अब वापस एक अच्छी रैली दिखाने को तैयार हो रहा है शेयर ये। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट एक तो दिख रहा है 178 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था, ठीक है। पहले एक दो बार इसने इसके आसपास आया, लो बनाया था यहाँ पे और उस पर सपोर्ट लिया। अब वापस अगर हम यहाँ पे देखें तो रिसेंटली भी ये वीकली पर अगर देखें तो इसी वीक कुछ यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे इस जगह के आसपास ने सपोर्ट लिया, ठीक है। ये लेवल्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनकेस कभी भी यहाँ पे आता तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जगह पर अच्छे सपोर्ट लेवल है पुराने यहाँ पे, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं यहाँ पे इस जगह पर आने पे। अब हम देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो डेली पर अगर हम देखें यहाँ पे तो डेली पे अभी देखो रिसेंट में तो कोई यहाँ पे रिजेक्शन भी नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन तो नहीं है यहाँ पे, सपोर्ट का अगर हम देखें यहाँ पे या इस जगह पर देखें, यहाँ पे क्या था ना, पहले एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन बना था, ये गया मार्केट यहाँ पे, इसलिए इस जगह के आसपास रिजेक्शन लिया, फिर डिप लगाया, इस जगह पर बेस बनाया और वापस से मोमेंटम देने की कोशिश करी। अब आज इसने क्या करा है ना, आज इसने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला यहाँ पे, तो हम 231 से लेकर ये 240 की एक रेंज है यहाँ पे, ये एक रेंज बनानी पड़ेगी पूरी यहाँ पे जिससे कि इसने काफी अच्छा सपोर्ट ले सकता है। अब इनकेस क्या हो रहा है ना, अभी तो देखो 248 पे इसने क्लोजिंग दी है, काफी अच्छा मोमेंटम आया था इसमें, मतलब सेम डे के हिसाब से 261 का हाई लगाया, पर कहीं ना कहीं देखो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है जिसमें अच्छा खासा इसको इंट्राडे में मिल रहा था, वो भी बुक कर सकता है जिसने ऑलरेडी यहाँ पे खरीदा हुआ, यहाँ पे खरीदा हुआ इन जगह पर। देखो यहाँ पे स्विंग अच्छा है, यहाँ पे ये सपोर्ट का ये है जिन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ इस जगह पर, ठीक है, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं कहीं ना कहीं। अब मेन कंफर्मेशन क्या होगा ना इसका यहाँ पे ब्रेकआउट का, कि यहाँ तो जब तक शेयर इसके ऊपर होल्ड करता है 231 लेकर 240 के ऊपर, इसके ऊपर जब तक सस्टेन करता है यहाँ पे, तब तक ये शेयर अभी यहाँ पे बुलिश बन चुका है, इसमें चार्ट हो जाता है पॉजिटिव बन चुका है। अब इनकेस अगर इसके नीचे आ जाता है ये, तो फिर हमें पहला सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 197 के आसपास, क्योंकि फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा शेयर वापस से जहाँ से पुराना एक बार पहले ब्रेकआउट भी आया था और पहले सपोर्ट भी ले चुका है। तो ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर 178 तक के वापस एक बार चार्ट में यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद तो फिर आगे लेवल्स है 147 एकड़ के आसपास। पर यहाँ पे जहाँ तक इतनी जगह पर भी अगर इनकेस आ जाता है तो बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे चार्ट का पोटेंशियल पैटर्न जब भी पॉजिटिव बन जाता है तो उसमें जो भी गिरावट होती है वो बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पैसे में, ठीक है। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ये जो गिरावट आई थी ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पैसे में, तो हमें उस चीज़ को देखना है कि मतलब चार्ट का पैटर्न क्या है। ओवरऑल अगर चार्ट का पैटर्न पॉजिटिव है तो उसमें कोई भी प्राइस वाइज करेक्शन आता है, टाइम वाइज करेक्शन आता है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे अच्छा देख सकता है, प्राइस एक्शन कहाँ पे अच्छा देखने को मिल सकता है, और वहीं पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, और इनकेस अब जब भी यहाँ पे निकलेगा ये इस लेवल को ब्रेक करके तो ऊपर की तरफ एक अच्छा इसके लिए रेंज ओपन हो जाएगी। अब क्या हो सकता है ना यहाँ पे ये, कि जैसे हम 5 घंटे चलते हैं इस पर देखते हैं कि यहाँ पे हो सकता है ये कि इसी रेंज के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अभी एक दो दिन निकाल सकता है यहाँ पे, अगर चांसेस हो सकता है यहाँ पे ऐसे में, और उसके बाद ये या तो इस जगह के आसपास आए, जैसे कल मान लो 240 के आसपास आता है यहाँ पे इस जगह पे, 231 के आसपास इधर आता है, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके ये वापस इस तरीके से मोमेंटम लेने की कोशिश करेगा। और डायरेक्ट अगर ये गैप अप खुल गया मान लो इस जगह पे और अगर होल्ड नहीं करा और इस तरह से टकरा के यहाँ से, फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर देखना है यहाँ पे कहाँ सपोर्ट लेता है, ठीक है। और अगर यहाँ से खुल के ऊपर निकल गया और अच्छी वॉल्यूम आने लगी साथ में वॉल्यूम देखना है यहाँ पे कि साथ में वॉल्यूम भी आ रही नहीं आ रही, वो चीज़ भी देखना। और अगर ऊपर निकल गया 261 के ऊपर 265 के ऊपर यहाँ पे, तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पे अच्छी साइड में यहाँ पे। तो ये तरीका ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर 5 मिनट के साथ देखो कि या तो यहाँ देखो 240 के आसपास, या फिर देखो कि 260 के आसपास यहाँ पे इस जगह पर ये ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे रिजेक्शन देता है जगह पर, क्योंकि यहाँ से अगर ये रिजेक्शन आया है आज भी तो हो सकता है एक बार वापस से रिजेक्शन देखने को मिल जाए शेयर में यहाँ पे। तो इन लेवल्स को ध्यान रखना है यहाँ पे, और डेली वीकली मंथली सब टाइम फ्रेम देखा हो एक बार ताकि आइडिया लग जाता है कि शेयर का मतलब ओवरऑल क्या कंडीशन चल रही है चार्ट के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे। और इसमें आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन है, जो भी मुझे शेयर के हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से लगा मैंने आपके साथ शेयर करा है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।